एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम हैं जंतर मंतर पर। यहाँ कुछ टीचर्स अध्यापकगण यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैडम आपका नाम? मेरा नाम चमन है। मैं इस्लामिक मदरसा आधुनिकरण शिक्षक संघ की प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग की हूँ। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग बरेली से आए हैं। वैसे तो यहाँ ऑल यूपी के टीचर्स आए हुए हैं और मैं बरेली से हूँ। आपकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सर हमारी मांग ये है कि 2 साल से, एक तो जो हमारे मदरसे में टीचर अध्यापन कर रहे हैं उनका 2 साल से वेतन जारी नहीं हुआ है। 2 सालों का सरकार के ऊपर बकाया वेतन है और वैसे तो ये स्कीम 1993 से चल रही है। 23 सालों से हमारे टीचर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, मानदेय समय पर नहीं मिलता है और टीचर भुखमरी के कगार पे हैं, जिसमें आप इस बात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि यूपी के कई जिलों में बाढ़ आई हुई है और बाढ़ के प्रकोप से जो हमारे टीचर हैं आज यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं, ज़्यादा महाराजगंज वगैरह से, तो वहाँ बाढ़ आई हुई है, वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है और इस स्थिति में हमारे जो टीचर हैं उनको मतलब अपने बच्चों को दूध पिलाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। इस हालत से हमारे जो टीचर हैं वो गुजर रहे हैं और सरकार के कान पर बिल्कुल भी जू नहीं रंग रही है। वो हमारी जो भी मांग है उनको बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिसमें अभी हमने फरवरी में भी यहाँ पर धरना दिया था, तब सरकार ने कहा था कि हम आपका मानदेय रिलीज़ कर देंगे, बट अभी तक कोई भी मानदेय क्या कुछ भी रिलीज़ नहीं करा गया है। 2 साल हो चुके हैं पूरे और शिक्षक मदरसे के जो टीचर हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनका मानदेय न मिलने पर, और सरकार जो हमारे ऊपर है जांच पे जांच थोपे हुए है, जिसका हम बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहे हैं कि आप जांच करवाइए, आप जो चाहते हैं वो करवाइए, हमें हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। और अब उन्होंने हमारे जो मदरसे हैं वो ऑनलाइन के ऑनलाइन आप अपना मदरसा करवाइए, पोर्टल भरवाइए, हम उनका स्वागत करते हैं इस स्कीम का कि वो जो करना चाहती है हमारे साथ करें, मगर हमारा भी तो भविष्य सिक्योर करें। जो हमारे टीचर आधी ज़िंदगी लगभग अपनी इस मदरसे की स्कीम में गुजार चुके हैं, उनके लिए भी सरकार के पास कुछ नहीं है, जो उनका के पेंशन देंगे या कुछ देंगे, जो लोग 23 सालों से इस मदरसे लाइन में सर्विस कर रहे हैं उनकी समाप्त हो चुका है वर्किंग टाइम, तो अब उनके लिए भी कोई फैसिलिटी नहीं है। तो आप, हमने ये धरना जो यहाँ पर है इसलिए दिया है कि जो हमारा वेतन है 2 साल से रुका हुआ है, हमारा वेतन जारी करें और हमारी भी सेवाओं को नियमित करें, जैसे और सेवाओं को नियमित करा हुआ है, सरकारी स्कूल वगैरह जो हैं, बेसिक शिक्षक हैं, और भी बहुत सारी सेवाएं हैं सरकार ने नियमित करी है, मगर सरकार का जो ध्यान है हम मदरसे टीचर की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी तरफ भी देखे, जिस तरीके से वो हमारे ऊपर जांच से जांच हो रही है और अपनी जो ऑनलाइन करवाइए जो जाँचें हमारे ही ऊपर से छोटी जा रही हैं और किसी भी के ऊपर भी नहीं छोटी जा रही है, किसी भी विभाग को ये जांच वगैरह का कोई भी पालन नहीं करना है, सिर्फ हम ही लोगों को करना है, तो हम खुशी के लिए सब पालन करने के लिए तैयार हैं, मगर शर्त हमारी यह है कि सरकार भी हमारे तरफ ध्यान दे, जो हमारा रुका हुआ 2 साल का वेतन है, बल्कि हम लोगों का 2 साल से भी ज़्यादा का, किसी किसी इलाज का 2 साल से भी ऊपर का वेतन रुका हुआ है, 4 साल का वेतन रुका हुआ है, तो हम सरकार से बस यही चाहते हैं कि वो हमारा वेतन जल्दी से जल्द रिलीज करें। जांच की बात कर रहे हैं तो वो सरकार मतलब किस चीज़ की जांच करा रही है? सर जांच करा रही है मदरसों की, कि मदरसों में टीचर आते हैं पढ़ाते हैं, मदरसों की बिल्डिंग है, मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं और आप जानते हैं कि जो मदरसे हैं वो ज़्यादातर आतंकवाद के निशाने पर रहते हैं, तो जो हमारे मदरसे हैं कि राष्ट्रगान नहीं हो रहा है, कभी कुछ मुद्दा उठा देते हैं कभी कुछ मुद्दा उठा देते हैं, बल्कि जो झंडा फहराना सिखाया गया वो पहली बार मदरसे से ही सिखाया गया, जो झंडा फहराया वो मदरसे वालों ने फहराया और आज मदरसे वालों के ऊपर ये बात थोप दी जाती है कि वहाँ झंडा नहीं फहराया जाता, वहाँ राष्ट्रगान नहीं गाया जाता, बल्कि हम लोग सब कुछ करते हैं और इतने अच्छे से करते हैं कि बहुत सारे बेसिक स्कूल में नहीं होता है, स्कूल्स में बहुत बार ऐसा होता है कि उल्टे झंडे फहराए जाते हैं, हम लोग इज्जत के साथ हम झंडा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और हमारे बच्चे बड़े खुशी खुशी जो भी कुछ प्रोग्राम करने होते हैं वो करते हैं, मगर फिर भी बार बार मदरसे वाले ही निशाने पर क्यों आते हैं सर, कि जांच पर जांच जो है मदरसे वालों को ही क्यों बार बार इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है, अगर वो इस चीज़ को लागू कर रहे हैं इस नियम को तो सभी पर लागू करें, और भी तो मदरसों की तरह संस्कृत विद्यालय हैं और भी बहुत सारी संस्थाएँ हैं, तो उनको भी इस प्रक्रिया से गुजारें ताकि हमें ये ना लगे कि हमारे साथ भेदभाव करा जा रहा है। मदरसे के अंदर कितने अध्यापक होते हैं और कितना स्टूडेंट होते हैं? सर मदरसे के अंदर तो ऐसा है कि जो गवर्नमेंट ने मॉडर्नाइज करने के बाद जो टीचर दिए मॉडर्न टीचर, हमने मॉडर्न टीचर कहलाया, तो हमें बहुत खुशी है सरकार ने कम से कम हमारी स्थिति की तरफ ध्यान दिया, मदरसे में हमारे अरबी फारसी उर्दू प्रांतिक की तालीम दी जाती है इस्लाम की, बट जो 1993 में गवर्नमेंट ने ये करा कि इसको और मॉडर्नाइज करा एजुकेशन को, तो उन्होंने आधुनिक शिक्षक दिए, तो हर मदरसे में 3 शिक्षक दिए हैं उन्होंने, जिसका मान भी सरकार देती है, तो उन्होंने जहाँ हमारी एजुकेशन को इस तरह से
बेहतर दिशा में मोड़ा, वहीं हमारे जो शिक्षक हैं वो भूखे हैं आज, तो सर ये बताइए खाली पेट को हम बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते हैं, और अगर एक कोई एक लिमिट होती है 6 महीने तक नहीं आ रही है, 7 महीने तक नहीं आ रही है, 2-4 साल तक सर कौन बैठ सकता है, तो बच्चों को भी कैसे तालीम दें हम, अगर बच्चों के साथ भी खिलवाड़ करते हैं तो हम अपने देश के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वही हमारे देश की नींव है, तो इसलिए सर हम अपने कुछ भी करते हैं कि आम मदद से जाना नहीं छोड़ते हैं, अपने बच्चों को प्रॉपरली हम पढ़ाते हैं, एजुकेशन देते हैं, मगर सरकार का ध्यान हमारे तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता, इस बात का मुझे बहुत दुख होता है। मदरसे के अंदर अध्यापकों की जो शैक्षिक योग्यता है वो कितनी होती है, ये गवर्नमेंट के द्वारा या मतलब जो राज्य सरकारें होती हैं वो किस तरीके से आपका चयन करती हैं? सर पहले तो इसकी कोई बाउंडेशन नहीं थी, इंटर वाले भी मदरसे में लगे हुए थे और उसके बाद BA MA, और आज हमारे कम से कम कुछ भी नहीं है, तो सर 75% जो हमारे शिक्षक हैं वो MA BEd हैं और 95% MA हैं, और उससे नीचे BA से तो कोई कम है ही नहीं सर, और हमारे जो चयन जिस वक्त ये प्रक्रिया शुरू हुई थी तो उस वक्त कोई बाउंडेशन नहीं थी ऐसी, आज सर ये है कि पे स्केल बढ़ा है तो हमारे जाते जो टीचर हैं 95% वो MA BEd ही हैं। भी मैडम ने बताया कि जो हमारे BEd हैं, अच्छा मदरसों के अंदर किस किस तरीके की और किस किस भाषा का अध्ययन कराते हैं आप लोग? हमारे मदरसे में सभी भाषा का अध्ययन कराया जाता है, उर्दू अरबी है, हिंदी इंग्लिश, वैसी भाषा नहीं है, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस, ये सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं सभी, और उन्हीं के लिए हम लोग सरकार ने जो 3 टीचर रखे हैं मॉडर्न टीचर, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए, जैसे स्कूलों में पढ़ाई होती है सेम वही मदरसों में पढ़ाई होती है। अभी मैडम ने बताया कि मदरसों के अंदर सभी सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाया जाता है, तो आपका क्या मानना है, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मोहम्मद अजीम, इस्लामिक मदरसा शिक्षक संघ का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। आज जो हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम किसी भी चीज़ का विरोध नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं सरकार के सामने, और हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, सरकार की नीति, सरकार काम कर रही है मदरसा एजुकेशन के लिए, बजट भी जारी किया हम सरकार, लेकिन जिस तरीके से सरकार मदारिस की जाँच करवा रही है हमें कोई आपत्ति नहीं किसी भी जाँच से, लेकिन हमें चाहते हैं कि जाँच के साथ साथ जो हमारा मेनताना है, जो हमारा वेतन है, वो कम से कम सरकार जो है उसको जारी करे, ताकि हम लोग अपने परिवार को मुख्य धारा से जोड़ सके, क्योंकि जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उनको तो हम समाज की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग समाज से दूर होते चले जा रहे हैं। तो मदरसा आधुनिकीकरण योजना ये एक वरदान योजना है मदरसा शिक्षा के लिए, क्योंकि पहले जो स्टूडेंट मदारिस की जो एजुकेशन हासिल करते थे वो दीनी हासिल करते थे, और अब जो मौजूदा टाइम है इस वक्त मदरसा जो तलबा हैं वो स्नातक, परस्नातक और व्यावसायिक शिक्षा हासिल करके इंजीनियरिंग और डॉक्टर अदर कोर्सेज में जो है मदरसा एजुकेशन और मदरसा जो तलबा हैं वो उस लाइन के अंदर जा रहे हैं। ये एक वरदान योजना है, हम चाहते हैं कि योजना के अंदर ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए और मदरसा आधुनिकीकरण योजना को आदर्श मदरसा आधुनिकीकरण योजना में तब्दील करते हुए और इसका मदरसा आधुनिकीकरण योजना का विकास होना चाहिए। सर ये मदरसे की जो जगह होती है जहाँ आप अध्यापन का काम करते हैं, तो वो जगह आपको कहाँ से प्रोवाइड होती है? सरकार का रोल नहीं होता, जो मदरसा संचालक होता है उसके पास पहले से ही मदरसे के लिए जगह होती है, और मदरसा आधुनिकीकरण योजना जो है वो पहले से मदरसों को आधुनिकीकरण करने को दी जाती है, इसमें सरकार का कोई अपना कोई योगदान नहीं, ना सरकार कोई उसमें कोई किराया देती है उसमें, वो निजी भवन होता है, संचालक का निजी भवन होता है या वो किराए पर लेता है। जो निजी भवन की बात करिए आपने के जो मैनेजर होता है उसका वो संचालन खुद करता है, सर ये मदरसे के अंदर कितनी क्लास से लेकर और कितनी क्लास तक पढ़ाया जाता है? देखिए मदरसे में जो तहतानिया, फोकानिया, आलिया, उच्च आलिया, ये तहतानिया प्राइमरी और फोकानिया जूनियर और आपके आलिया हाई स्कूल और उच्च आलिया इंटर के बराबर होता है, इसमें 10 क्लास तक पढ़ाए जाते हैं। अब ये लेवल है कि जिस लेवल मदरसे की मान्यता है, तहतानिया, फोकानिया, आलिया या उच्च आलिया। सर ये मान्यताएं आपको कहाँ से मिलती हैं, कौन यूनिवर्सिटी देती हैं, कौन बोर्ड देता है? ये अरबी फारसी बोर्ड के माध्यम से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जो है वो मान्यता जो है प्रोवाइड कराते हैं, मानक के अनुसार इनकी बिंदु की जांच होती है, उसके बाद मान्यता दी जाती है। राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर? राज्य स्तर पर मान्यता दी जाती है। तो आपकी क्या अपील रहेगी अब? हमारी अपील ये है कि जो मदरसा आधुनिकीकरण योजना है उसको एक आदर्श मदरसा आधुनिकीकरण योजना में कन्वर्ट करें, और टीचर को जो है रेगुलर करें, प्रतिमा वेतन दें, और जितना भी बेहतर हो सके, क्योंकि हम मदरसा शिक्षक ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जहाँ के उन बच्चों को समाज से जोड़ रहे हैं कि जो समाज से दूर होते चले जा रहे हैं। एक तरफ सरकार चाइल्ड लाइन और बाल श्रम को रोकने का काम कर रही है, करोड़ों रुपये उस पर खर्च किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ मदरसा आधुनिकीकरण योजना को दूर किया जा रहा है। अगर ऐसे में मदरसा आधुनिकीकरण योजना पर संकट आता है, मदरसा आधुनिकीकरण योजना बंद होती है,
तो जो 20 लाख छात्र छात्राएं जो यूपी के अंदर या इंडिया के अंदर जो पढ़ रहे हैं वो लोग फिर कहाँ जाएंगे? वो फिर चाइल्ड लेबर में आएंगे, वो मजदूरी करेंगे। इसलिए हम सरकार का काम कर रहे हैं और सरकार के हर तरीके से समर्थन में हम चाहते हैं कि सरकार जितना बेहतर हो सके मदरसा एजुकेशन के लिए करें, और हम और सरकार मदरसा एजुकेशन को मुख्य और जितनी भी योजनाएं हैं उनके साथ जोड़े और मदरसा आधुनिक शिक्षा को केंद्रीय शिक्षा घोषित करें।